हमारे यहाँ के एसडीएम सुप्रिया जी, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, सभी विभागों से पधारे सारे उपकंड अधिकारीगण यहां विराजमान पधारे हुए, लखनऊ शहर और ग्रामीण एरिया से सभी जनप्रतिनिधिगण पधारे हुए, सभी स्कूलों से सारे अध्यापक और बच्चे सर्वप्रथम में अपनी ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की सभी लखनऊवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये मौका है जब 1950 में हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ, 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती इस देश के लिए थी कि ये देश जो पहले राजा रजवाड़ों के राज में रहा, फिर यहां अंग्रेजों ने आकर यहां राज किया, और उसके बाद एक लंबी आजादी की लड़ाई के बाद जिसमें इस देश के कई वीरों ने अपनी शहादत दी, अपना त्याग दिया, उसके बाद जब हमें आजादी मिली तो यह तय करना सबसे बड़ी चुनौती इस देश के सामने थी कि आज तक जहां गणतंत्र नहीं रहा, जहां राजशाही रही, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, वो देश अब आगे कैसे चलेगा। उस समय यह तय हुआ कि एक संविधान इस देश का बनेगा, उस संविधान के आधार पर यह देश आगे चलेगा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कई विद्वान थे जिन्होंने इस लंबे संघर्ष के बाद आज के दिन अपने इस संविधान को लागू किया, और हम लोग आज गणतंत्र दिवस के तौर पर इस दिन को मनाते हैं। यह देश इस संविधान से अखंड रहा, यह देश इस संविधान की वजह से विकसित हुआ, यह देश जहां आज किसी भी आम घर का व्यक्ति किसी भी चुनावी प्रणाली में भाग लेकर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेवाएं इस देश में दे सकता है, यह सब इस संविधान की वजह से लागू हुआ। और उसके बाद जिन वीरों ने इस देश की आजादी में शहादत दी, और उसके बाद जो संकट इस देश में दूसरे देशों से युद्धों में आया, उसमें जिन वीरों ने शहादत दी, उनको मैं नमन आज इस दिन पर करता हूं। और यह देश जहां सबको लगता था कि जहां बड़े बड़े देशों के टुकड़े हुए, भारत भी अखंड नहीं रह पाएगा, इस संविधान ने, इस देश के वीरों ने, इस देश की सेना ने और इस चुनावी प्रणाली ने इस देश को आज तक अखंड रखा। इस संविधान में जो अधिकार हमें प्राप्त हुए, उनके अलावा मैं सभी नागरिक यहां मौजूद है उनसे ये चाहूंगा कि हमें जो अधिकार दिए हैं उनके साथ साथ इस देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका हम निष्ठा से पालन करें। आज इस दिन से हम तय करें कि इस लखनऊ के विकास में, हमारे गली की विकास में, मोहल्ले के विकास में, गांव के विकास में हम जितना अपनी ओर से दे पाएंगे उतना हम उस निर्माण में अपनी ओर से लगाएंगे। और इस लखनऊ में जितना हम लोग अपनी ओर से कर पाए, अपनी ओर से योगदान दे पाए, वो हम सबको पूर्ण करना पड़ेगा। और
जो संविधान हमें दिया है वो संविधान कैसे लागू रहे, उन संविधान की रक्षा कैसे हो, इस बात का पयन हमें सब लोगों को करना पड़ेगा। आज छठवां ये गणतंत्र दिवस है जिस पर मुझे आकर या झंडारोहण में आपके बीच आने का मौका मिला। जब पिछले गणतंत्र दिवस पर मैं आया था तो मैंने कहा पांचवां है और हम ये प्रयास करेंगे कि इन पांच सालों में जितना विकास में, जितना आप लोगों के सुख दुख में हम लोगों से बन पाए उतनी योगदान हम सब दें। और ये आने वाले पांच साल फिर से इस राज्यों के विकास में मैं अपने आप को और आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि इसके विकास में हम सब लोग अपनी जी जान से लगे। एक बार पुणे में नगरपालिका मंडल को और उपकर अधिकारी